बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल सेहतयाब होंगे। आप सोच रहे होंगे ये हम कौन सी जगह पे आ गए हैं, तो हम आगे आपको बताते हैं हम कहाँ पे आए हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि सुफियान भाई ने बताया और आपने थंबनेल में भी टाइटल जो है वो देख लिया होगा, और उसके मुताबिक हम लोग इस वक्त गुजरांवाला के एक बहुत ही पॉपुलर एरिया इमनाबाद के अंदर एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, जो कि मुगलिया दौर में जो है जिसको बनाया गया वो थी जी, और ये थी एक बहुत ही मुगलिया दौर की एक मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद थी। तो अभी हम लोग उसके पास ही खड़े हैं, वो देखें वो पीछे आपको दिखाते हैं। अभी हम अंदर भी जाएंगे और आपको अंदर से भी दिखाएंगे कि ये मस्जिद का नाम था लोधी एरा मॉस्क अकॉर्डिंग टू गूगल। तो नाम पहली दफा सुन रहे हैं, ये कैसा नाम है ये हमें भी नहीं पता। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग होगा हमारा इसी के मतलब एक हिस्टोरिकल प्लेस है वो पीछे हमारे, तो इसके अंदर चल के आपको दिखाएंगे, और यही है हमारा आज का व्लॉग। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स सी। तो व्यूअर्स, आपको जो जिस साइड पे हमने खड़े होके आपको पहले बताया, अब हम उसकी दूसरी साइड पे हैं। ये है ना, जो पीछे ये दूसरी साइड है, और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके मुताबिक ये जो है ना मस्जिद का यहाँ पे वो जिसे कहते हैं वजू खाना या वजू करने की जगह थी, वजू खाना, गुसल खाना जो भी था, जो भी जी, ये वो जगह थी। आप इसके खंडरात देख सकते हैं। अभी आपको मैं अंदर से भी दिखाता हूँ ये किस तरह के। ये ना चूना था, चूने के साथ जुड़ी हुई है। ये यानी सारा चूना जी, ईंट है इसकी बहुत बड़ी है, ये चूने के साथ जुड़ी ये उस वक्त की जो ईंट है ना, आज की इतनी मोटी ईंट से ज्यादा मजबूत है। इसकी वजह तो कुछ होगी भाई, गोल्ड इज गोल्ड ऐसे तो नहीं कहते। तो व्यूअर्स, आपको यहाँ पे एक और मजे की बात बताऊँ, अंदर से आपको दिखाया मैंने, तो उसके बाद वहाँ पे कुछ भाई हमें मिले अंदर, वो भाई कह रहे थे कि यहाँ पे ये जो वजू खाना ना, ये सिर्फ इतना एरिया नहीं था, यहाँ पे तकरीबन वो जो आप मेरा पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे एक तालाब था, और तालाब के उस पार दीवार थी जो पूरे इसको कवर करती थी अंदर से। तो इसके अंदर एक महल था जिसके अंदर एक बादशाह था, वो रहता था, तो उसका नेम नहीं पता। ये बिल्डिंग सुफियान भाई ने भी आपको बताया, ये 1425 में आई थिंक बनाई गई थी। तो ये उधर हमें जो है ना दीवारें भी मिली हैं जहाँ पे जिसके निशान है अभी। तो ये बेसिकली है कि यहाँ पे पूरा एक महल था। तो अभी चलते हैं उस तरफ, वो आपको अंदर चल के मैं दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे कुछ और लोग भी आए हुए हैं, ये जो बिल्डिंग है वो देखने के लिए। भाई तो ये वैसे लोग टिकटॉक बना रहे हैं, ये जो पीछे लोग आए हैं ये यहाँ पे टिकटॉक बना रहे हैं, टिकटॉक स्टार हैं। तो जो हमारे चांद भाई हैं ना, वो उनकी टिकटॉक बना रहे हैं। हमने कहा आप टिकटॉक बनाए, तब तक हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं ये बिल्डिंग कैसी है। अभी आपको एक और बात बताएं, फेसबुक पे गुजरांवाला का पेज है, उन्होंने कुछ दिन पहले इसकी जो है ना पूरी पोस्ट की थी इस बारे में कि ये कौमी विरसा है, ये ज़ाया हो रहा है, इस पर गवर्नमेंट तवज्जो दे। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा कि हम इस पर एक व्लॉग बनाएंगे। तो अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। We'll be right back.
तो व्यूअर्स इस वक्त हम मस्जिद के अंदर खड़े हैं, आपको दिखा भी दिए अंदर से सारी सारी दिखाई है आपको, थोड़ा सा बस रह गया ऐसा वो भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ के मुकामी लोग कह रहे हैं कि ये मस्जिद को दोबारा डेवलप करने लगे हैं, इसको दोबारा तमीर करने लगे हैं, सारा इसको असल में लेके आने लगे हैं और इसको कौमी विरासत जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस का उसमें इसको भी शामिल कर लिया गया। ये हमें बाहर एक भाई ने बताया कि ये जहीरुद्दीन बाबर जो था ना मुगल बादशाह का जो एम्पायर, उसने बनाई थी ये मस्जिद। आपको अंदर से भी दिखाइए ये किस तरह की है, इसका फन तमीर और इसकी दीवारें कितनी कितनी ज्यादा मतलब चौड़ाई वाली हैं। अब ये तकरीबन में दो महीने में सारे कंस्ट्रक्शन का काम इसका हो जाएगा जी, और इसको बिल्कुल इसी तरह रखा जाएगा जिस तरह इसकी असल हालत है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। हो सकता है कि ये इमारत भी यहाँ ना होती, लेकिन गवर्नमेंट ने 1958 में कानून पास किया था कि ये जो है ना इस इमारत को महफूज कर लिया गया, अब इसको जो भी नुकसान पहुँचाएगा उसको 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों दिए जाएंगे, इस वजह से ये इमारत अभी तक महफूज है। और व्यूअर्स यहाँ पे आपको एक मजे की बात बताएं, सुफियान भाई जो थे वो जूती समेत ही अंदर आने लगे थे मैं भी और प्रिंस भाई भी, हमें कुछ यहाँ के मुकामी लोगों ने कहा कि नहीं ये मस्जिद है तो लिहाजा आप जूता उतार के अंदर जाएं, हम लोग जो है आप देख सकते हैं जूता उतार के नंगे पांव अंदर आए हैं मस्जिद का एहतराम के लिए, हम माफी चाहते हैं रब से कि हमने जी। तो अभी थोड़ी सी आपको और दिखाते हैं फिर हम चलेंगे। तो व्यूअर्स ये इसकी दीवार देखें आप कितनी कितनी चौड़ाई है, ये तकरीबन कितनी होगी इसकी चौड़ाई दिखाओ जरा व्यूअर्स को, कितनी 3 फुट 2.5 फुट ढाई फुट की दीवार है ये, तो आजकल का कमरा है जितना आजकल का कमरा उतनी उतनी ये एक दीवार है, मोटी दीवार तो कहीं जा भी नहीं सकती है जी, जिस हिसाब से ये पुरानी है ना इमारत। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे एक चीज देख के बड़ा हैरान हूँ, ये देखे आप छत, आप देख रहे हैं ये छत जो है ये पता नहीं किस चीज की उन्होंने बनाई हुई है, यानी हम तो लेंटर डालते हैं ना सारी चीज ईंटों के साथ जी, चूने और ईंटों के साथ ये पूरे को कवर किया गया, इसमें कोई सरिया वगैरह नहीं है। लेकिन ये फिर भी सरिया से ज्यादा मजबूत है अगर सरिया नहीं भी है जी। व्यूअर्स हमें यहाँ के लोगों ने भी बताया और मैंने सुना भी हुआ कि जो चूने के साथ दीवारें बनाई जाती थी ना ये सरिये से ज्यादा और सीमेंट से ज्यादा मजबूत है। ये देखें व्यूअर्स यहाँ पे जो है मिंबर पे खड़ा होके जो इमाम वो यहाँ पे नमाज पढ़ाते थे, और उस दौर का तो मुझे भी नहीं पता, लकड़ी तो तब भी आई थी, लकड़ी होगी जी। ये यहाँ पे आपको पीछे लिखाई हुई नज़र आ रही है, ये जो है ये यहाँ के जो मुकामी लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं ये उन्होंने की हुई है, ये पहले की नहीं है जी। ये देखें व्यूअर्स यहाँ पे एक खुफिया तौर पे रूम बनाया गया है जहाँ पे मौसम जी, ये देखें अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, ये देखें यहाँ पे एक रोशनदान छोटा सा, यही मौसम की रिहाइश थी और यही से वो सारे काम और सारे अंजाम देता जी। मस्जिद का बाहर वाला हिस्सा है, यहाँ पे कुछ नोटिस वगैरह लिखा हुआ है जो कि मैं आपको क्लोज करके भी दिखाता हूँ। आपको कैसा लगा, हमने आपको सारा ये अंदर से दिखाया है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसको तुम सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए। तो मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।